न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वराम मार्बल, बीएन घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरोन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। आसनसोल में डेंगू से एक ग्रेजुएट छात्र की मौत से हड़कंप, परिवार ने जिला अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं मिलने का लगाया आरोप। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल और कांग्रेस नेता शाह आलम ने राज्य सरकार और नगर निगम की बताई लापरवाही। पश्चिमबंगे डेंगू है ना, हमारे मुख्यमंत्री बोले थे। आसनसोल रेल यार्ड के निकट ओवरडे पोल पर चढ़ा एक व्यक्ति, उसे उतारने में आरपीएफ और रेल कर्मी के छूटे पसीने। आसनसोल बाजार के थोक फल सब्जी और मछली विक्रेता काली पहाड़ी के पास बने होलसेल मार्केट से संतुष्ट नहीं, बाजार समिति पूरी सुविधा की कर रहे मांग। आसनसोल में एक ग्रेजुएट छात्र की डेंगू से मौत हो गई, जिससे नगर निगम से लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मृत छात्र का नाम अविनाश साव है। वह शहर के वार्ड नंबर 42 के रगनिया पाड़ा का निवासी था। अविनाश बीवी कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र था। अविनाश की मौत की खबर आने के बाद उसके घर में मातम फैल गया और जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जानकारी के मुताबिक अविनाश को 2 दिनों से बुखार था। कल सुबह तक ठीक लग रहा था, लेकिन दोपहर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर उसे दूसरे अस्पताल में ले जाने की हिदायत दी गई। अविनाश के घर वालों का आरोप है कि जिला अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं किया गया, ना ही डेंगू के बारे में कोई जानकारी दी गई। हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट किए, 2.5 घंटा हॉस्पिटल में रखा। वो लोग क्या किया नहीं किया कोई पता नहीं। 6 बजे बोला कि यहाँ से जवाब दे दिया, बोला हॉस्पिटल ले जाइए, यहाँ से ले जाइए। अब दुर्गापुर लेके चल गया, बस वहाँ हम लोग को पता चला डेंगू हुआ। ये हॉस्पिटल में डेंगू भी पता नहीं किया है, डेंगू भी पता नहीं किया। हाँ, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में था। 2.5 घंटा पानी चढ़ाया, सिर्फ और लगता मेरा बच्चा पानी चढ़ा के छोड़ दिया, 2 सुइया देके, और कुछ नहीं किया। ये लोग कुछ नहीं किया, नहीं करने था, मेरा बच्चा नहीं एडमिट ले ला, छोड़ देता। भूखा नहीं था, सिर्फ कल वो सुबह में घर से मुढ़ी और बिस्कुट खा के गया, तो सिर्फ कल खाना नहीं खाया, और परसों थोड़ा बहुत खाना खाया, सिर्फ कल वो नहीं खाना खाया है, बस 2 गो मेरी बिस्कुट खाए। कुछ नहीं, हम लोग घर में पता सिर्फ बुखार हुआ। आपका घर का बगल में इतना गंदा है, कॉर्पोरेशन में। अरे बाबा, इतना काम कॉर्पोरेशन वाला कुछ नहीं करता है। 2-3 साल से हम लोग कंप्लेन किए कॉर्पोरेशन वाला से, कुछ नहीं किया कॉर्पोरेशन वाला से भी। हम लोग का कंप्लेन है, गोबर रखा हुआ है, ये गोबर के बोले कितना बार हटाइए। आज दुख पड़ा तो मेरा कॉर्पोरेशन वाला बोलता है क्या नहीं काम, कितना कंप्लेन हो चुका है। यहाँ का जो कहा है उसको भी कंप्लेन किया, कोई कंप्लेन के रिपोर्ट नहीं आया, गोबर उठाया। क्या लग रहा है, डेंगू हुआ था? हाँ, डेंगू के कारण। अब वहाँ रिपोर्ट में बोल रहा बस। जानकारी हाँ, हम लोग बहुत बार वहाँ से, यहाँ से पूरा मिल के सब कागज लिख के दे रहे। आज जब पहाड़ गिर गया मेरा घर में, तो क्या करेगा? मेरा घर में पहाड़ गिर गया, हम दब चुके हैं उसका नीचे, अब क्या करें, हमको बताइए। अविनाश साव के घर के आसपास 3 खटाल है और वहाँ हमेशा गोबर रखा जाता है, जिससे मच्छरों का वहाँ घर बनाने की जगह मिलती है। अविनाश की दादी का कहना है कि खटाल मालिकों को साफ सुथरा रखने को कहा जाता है, लेकिन वे सुनते नहीं है। यहाँ पर का कंडीशन है कि यहाँ पर 4 खटाल है, खटाल में इतना गोबर गर्द होता है, 1 खाली जगह है, उस जगह में ले जाके सब गोबर बिकता, जगह का मालिक ऑब्जेक्शन नहीं करता है, और इसके बाद में गवाला लोग बोलता है हम आपका जगह में बिगाड़। यहाँ का अगल बगल का आदमी एक दूसरे से टच है, स्वार्थ है उसका, स्वार्थ में वो कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को नहीं बोलता है। अभी जैसे देखिए कि यहाँ पर इतना आदमी है, भीड़ भाड़, लेकिन बोलने नहीं आता, तो सच तो बोलना पड़ेगा ना। कॉर्पोरेशन भी आता है जाता है देखता है, लेकिन यहाँ नाली का कोई व्यवस्था नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत नाली का व्यवस्था है तो वो बोलता हम अपना नाली में ज्वाइंट करने नहीं देंगे, वो बोलता हम अपना नाली में ज्वाइंट करने नहीं देंगे, तो व्यवस्था कैसे शांति होगा? कॉर्पोरेशन का भी तो जिम्मेवारी नहीं है कि एक साथ में आके वो पूरा बना देगा रास्ता, लेकिन जो उसको हम लोग आपस में मिल के कर सकते हैं उसको भी नहीं कर रहा। छात्र की मौत की खबर आने के बाद जिला स्वास्थ्य दफ्तर और नगर निगम हरकत में आ जाते हैं और उनकी टीमें इलाके में पहुंच जाती है। इलाके में सफाई की जाती है और गोबरों के ऊपर स्प्रे का छिड़काव किया जाता है, लेकिन सवाल उठता है कि यही काम अगर पहले किया जाता तो अभी अभी जवानी की दहलीज पर पहुंचे अविनाश को उसके घर वाले नहीं खोते। बहरहाल नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मी जवाब पाल का काम इलाके में डेंगू का रिपोर्ट लेना होता है। उसने बताया कि लोगों को साफ सफाई
सफाई रखने की हमेशा हिदायत दी जाती है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। এখানে প্রায় আমি আসি, পরিষ্কার করি, ব্লিচিং দিই, স্প্রে করি, কিন্তু আমাদের কর্পোরেশন থেকে যারা অফিসার আছেন তারাও আসেন, এনাদের বলেন যে যারা খাটালের মালিকদেরকে বলা হয় কিন্তু ওনারা জোর মেয়েদের ঢুকতে দেয় না, প্লাস কি বলবো মানে ঝামেলা করে, গালি গালাজ করে। আমাদের মেয়েরা তখন প্রত্যেকটা তো ভালো ফ্যামিলি থেকে চাকরি করতে এসেছে, ঠিক আছে, কিন্তু প্রত্যেকটা মেয়ে তো ভালো ফ্যামিলি থেকে একটা বিলং করে, তো সেই জায়গাটাতে তারা প্রেস্টিজ দেখে তারা কিন্তু রিটার্ন চলে আসে। তা সব সময় তো আমাকে তারা পায় না। এবারে আমি এসে যেভাবে তাদের ঘরে ঢুকে যাচ্ছি, ছাদে উঠে যাচ্ছি, যার বাড়িতে ডেঙ্গুটা হয়েছে তাদের বাড়িতেই তো লার্ভাগুলো পাওয়া গেল, তাহলে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। তারা কিন্তু আজ পাঁচ দিন ধরে যে জ্বর এসছে, চার দিন আগে আমাদের মেয়েরা এসে তাদের বাড়িতে ঘুরে গেছে, তারা কিন্তু বলেনি যে আমাদের ছেলে জ্বর হয়েছে। এটা তো ওনাদের জানানো উচিত, তারা কেন গোপন করে গেল আমার মাথাতে ঢুকছে। হ্যাঁ, নালি মে কে ঘর মে স্প্রে কর রে, নালি তো বাদ দিজিয়ে, নালি তো করতে হি, হাম লোগ কা দো স্প্রে ম্যান হ্যায়। ইধর পশ্চিম বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর কে অধিকারী নে বাতায়া কি দুর্গাপুর মে ইলাজরত এক যুবক কি ডেঙ্গু সে মৌত কি খবর হ্যায়। উনহোনে ইয়া ভি বাতায়া কি আসানসোল মে ডেঙ্গু কে 16 মামলে হি হ্যায়, জবকি দুর্গাপুর মে 120 হ্যায়। আজ কে একটা ডেঙ্গু ডে তে চলে খবর পেয়েছি, অবিনাশ সাউ বলে আমাদের আসানসোলের বাসিন্দা, আজ ওনার ডেঙ্গু হেমোরেজ ফিভারে ডেথ হয়েছে বলে ডেথ সার্টিফিকেটটা পেয়েছি। আরেকটা তো কেউ আর জেলা হাসপাতালে আরেকজন তো ভর্তি আছে, সেরকম কিছু খবর আছে? জেলা হাসপাতালে সিরিয়াস কন্ডিশনে ভর্তি আছে সেরকম কিছু নেই, কিন্তু যেটা সিরিয়াস হয়েছিল জেলা হাসপাতাল থেকে বোধহয় রেফার হয়েছিল, যেটা প্রাইমারি খবর পেয়েছি, এখন আমার ডিটেলস খবরটা নেওয়া হয়নি, মানে পাইনি হাতে, তো ওটা আমরা দেখছি। তো আমাদের ডেঙ্গুর যে অনেক কেস আছে তা কিন্তু নয়, আসানসোলে গত এক সপ্তাহে আবার অ্যাক্টিভ কেস 16টা, তার মধ্যে ইউপিএসসি ল্যাবরেটরি আমাদের যে নতুন ইউপিএসসিগুলো সব টেস্টিং শুরু হয়েছে ওইখান থেকে বেরিয়েছে 4টে, জেলা হাসপাতালে টেস্ট হয়েছে 12টা, টোটাল 16টা পজিটিভ গত এক সপ্তাহে, তার মধ্যে একটা এরকম সিরিয়াস কেস ধরা পড়লো ডেঙ্গু হেমোরেজ ফিভার এবং সেটা ডেথ হয়ে গেছে। আসানসোল নগর নিগম কে মেয়র বিধান উপাধ্যায় নে ডেঙ্গু সে যুবক কি মৌত পর দুঃখ জতায়া হ্যায়, হালাকি ইয়া মাননে সে ইনকার কিয়া হ্যায় কি নগর নিগম দ্বারা সাফ সাফাই মে কোই কমি নহি রাখি গই হ্যায়। ঘটনা এমনি আমাদের অলরেডি চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চলছে করছে প্রতিদিনে, তা মানুষকে একটু সজাগ থাকতে হবে, মানুষ সজাগ না থাকলে কিন্তু শুধুমাত্র কর্পোরেশনের দ্বারা সম্ভব হবে না, কারণ কর্পোরেশন ধরুন সকালবেলায় পরিষ্কার করে দিয়ে চলে আসছে, আবার ওখানে জল জমে যাচ্ছে, তার জল একটু একটু মানুষকে নিজেদের বাড়িতে বাড়ির বাইরে একটু খেয়াল রাখতে হবে। আসানসোল কে রঙনিয়া পাড়া মে ডেঙ্গু সে এক ছাত্র কি মৌত হোনে কে বাদ বিজেপি আর কংগ্রেস নে রাজ্য সরকার আর নগর নিগম কে কামকাজ পর সওয়াল উঠায়া হ্যায়। আসানসোল দক্ষিণ কি বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল নে ইলাকে কা দৌরা কিয়া আর স্থিতি কা জায়জা লিয়া। ইয়া মিডিয়া সে বাত করতে হুয়ে অগ্নিমিত্রা নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি পর তঞ্জ কসতে হুয়ে কাহা কি ওয়া ডাক্টর হ্যায় আর ডেঙ্গু সে মৌত কো সাধারণ বিমারী বতাতি হ্যায়। ইধর আসানসোল সাউথ ব্লক কংগ্রেস কমিটি কে অধ্যক্ষ আলম নে আসানসোল নগর নিগম কে কামকাজ পর সওয়াল উঠাতে হুয়ে কাহা কি নগর নিগম কি লাপরওয়াহি কে বজা সে আজ এক যুবক কি জান চলি গই। পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গু হয় নাকি? আপনারা কি কথা বলছেন? পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গু হয় না, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এখানে অজানা জ্বর হয়, এরকম কোভিড এর সময় আমরা দেখেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গে কোভিড হয়নি, সারা পৃথিবীতে কোভিড হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে কোভিড হয়নি, সেখানে কো মরবিডিটি হয়েছিল। আপনারা বেকার বেকার এরকম খবর করেন, যতদিন মমতা ব্যানার্জি এই সরকারে থাকবে বা এই সরকার থাকবে, বাচ্চা থেকে বুড়ো কুকুর বেড়ালের মতো মরবে, কারণ সরকার এবং এখানকার প্রশাসনের মানুষকে বাঁচাবার জন্য তাদের কোনো ইন্টেনশন নেই। আজকে নালি, এই তো দেখতে পাচ্ছেন নালি, দেখুন দেখাবেন, এই নালিতে ডেঙ্গি হবে না, মশা হবে না। দেখি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কা লাপরওয়াহি কে ওয়াজে সে আজ ওয়ার্ড নম্বর 42 মে এক বাচ্চে কা ডেঙ্গু के कारण एक मौत हुई है। जो आसनसोल का जनता का पैसा, रिव्यू का टैक्स का पैसा, चंदा का पैसा, ग्रीन आसनसोल और क्लीन आसनसोल के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करना फजूल में, आज देखा जा रहा है कि डेंगू के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और आज एक मौत का भी सामना करना पड़ा है।
आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, ज्वाइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार, चले आइए लोअर चिलीडंगल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहां आपको मिलेंगे जीरो इंटरेस्ट, जीरो डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन दी फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार, यहां मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन दी फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सुमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, खागरवड़ी मंदिर के विपरीत, NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार BN घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। राणा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। रेलवे लाइन के पोल पर चढ़ा इस शख्स ने कुछ समय के लिए रेलगाड़ियों के आवागमन को बाधित कर दिया, लेकिन यह शख्स रेलवे पोल के ऊपर क्यों चढ़ा या कोई नहीं जानता। आसनसोल स्टेशन से कुछ दूर रेलवे यार्ड के समीप जब यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति पोल पर चढ़ रहा था तो वहां कुछ दूरी पर मौजूद रेलवे कर्मियों ने उसे देख लिया। तुरंत इसकी खबर रेल अधिकारियों को दी गई और उस पोल से गुजरने वाली बिजली को काट दिया गया। RPF अधिकारी और जवान वहां पहुंचे और उसे उतारने की कोशिश की। सीढ़ी मंगवाई गई लेकिन वह उतरने को तैयार नहीं था। आखिर कुछ देर बाद कहने पर उतरने लगा, लेकिन उसके करीब RPF जवान गए तो वह फिर से ऊपर की तरफ भागने लगा, लेकिन इस बीच किसी ने उसकी एक टांग पकड़ ली और उसे नीचे खींच लिया। अरे कुछ नहीं होगा, नीचे उतरो, नीचे उतरो, उसे किनारे की तरफ लाया जा रहा था तो वह कुछ दूर तो आगे आया, फिर आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ तो जबरदस्ती उठाकर लाना पड़ा। अरे ट्रैक से नहीं जाना है, चलो रास्ता बताओ, उधर से चलो, रोड है, रोड है, चलो। रेलवे अधिकारियों ने उससे पूछताछ की क्यों वह रेल लाइन के पोल पर चढ़ा तो वह कुछ जवाब देने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह या तो नशे की हालात में था या फिर दिमागी रूप से बीमार था। बहरहाल RPF के लोग उसे अपनी गाड़ी में बैठा कर वहां से ले गए। उनके ऊपर हम लोगों ने, रेलवे के सारे लोगों ने मिलकर जो भी उसको कन्विंस करके उतारा गया,
अभी पता कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या मैटर है। कितने देर तक वो चढ़ा हुआ था या कितने घंटे से? 40-45 मिनट था शायद। ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है? थोड़ा सा असर तो पड़ा है। मैं वो डिटेल नहीं है, मैं अभी जस्ट अभी इन्वेस्टिगेशन मतलब इंक्वायरी कर रहे हैं क्या इशू है, क्या मैटर है, कौन है आदमी। ठीक है। कुल्टी के चौरंगी पुलिस फाड़ी अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर केले से लदा एक ट्रक उस समय पलट गया जब उसका पिछला चक्का फट गया। चक्के के फटने से गाड़ी अनियंत्रित होकर राजमार्ग पर ही पलट गई और केले रास्ते पर बिखर गए। इस वजह से कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हुआ। गाड़ी के पलटने के बावजूद इसके चालक को कोई ज्यादा चोट नहीं आई है। खबर पाकर चौरंगी फाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन बुलाकर गाड़ी को खड़ा किया गया। वहीं सड़क पर गिरे केले को भी एक जगह इकट्ठा किया गया। ड्राइवर ने बताया कि वह कृष्ण नगर से केले लेकर आ रहा था और धनबाद जा रहा था। बाद में चक्का बदली करने के बाद फिर वह केले लेकर धनबाद की ओर रवाना हुआ। आवाज हो गया था दैना साइड का। कहाँ से आ रहा? कृष्णा नगर से बंगाल। कहाँ जा रहा था? धनबाद। कोई इंजर्ड है? हाँ लोड था, अभी लोड। इंजर्ड कौन है? कुछ इंजर्ड है कोई? नहीं कोई नहीं। Nursing Institute of Asansol, providing a 3-year diploma course in general nursing and midwifery GNM for plus 2 passed with minimum 40% marks and 4-year undergraduate course in BSc nursing for plus 2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Baghbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahari, Asansol. हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सगवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इको कार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, बीएनआर मोड और एसपी ग्राय रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल, यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। तुसी तारा सिंह नु पहचान दे नहीं, दुश्मना नु पूछो तारा सिंह कौन है। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर।
आसनसोल के काली पहाड़ी मोड़ के निकट नगर निगम द्वारा होलसेल मार्केट बनाया जा रहा है, लेकिन यह मार्केट आसनसोल बाजार के सब्जी फल और मछली होलसेल विक्रेताओं को पसंद नहीं है। गौरतलब है कि आसनसोल बाजार से होलसेल व्यापारियों को काली पहाड़ी शिफ्ट करने के लिए यह मार्केट बनाया जा रहा है, लेकिन गुरुवार को इन थोक व्यापारियों के साथ मेयर विधान उपाध्याय ने अपने दफ्तर में बैठक की। इस बैठक में व्यापारियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जो काली पहाड़ी में मार्केट अभी बना है वह उनके लिए ठीक नहीं है। हम लोग फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से आए थे, हम लोगों को बुलाया गया था कि आप लोगों को मंडी बना के दिया जाएगा। हम लोग इस विशेष में आए, हम लोगों को पूछा गया भाई कि ऐसा सा बात है, हम लोग बोला ये जो आप बनाए हैं ये हम लोग का बगैर एडवाइस का बना हुआ है। फ्रूट मर्चेंट का जितना भी लोग है कोई भी इसमें इंक्लूडिंग नहीं था, किसी का एडवाइस भी नहीं था, सरकार अपने हिसाब से बनाया ताकि हम लोग वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कहीं भी मंडी एसोसिएशन में कहीं पर भी जो है आप बाजार समिति में कहीं पर भी जो है इस तरह का कोई बाजार नहीं बना है। आप बाजार समिति बनाइए ऑल ओवर वेस्ट बंगाल, ऑल ओवर इंडिया, कहीं का भी मैप उठा के देखिए, जो बाजार समिति का सिस्टम है, कंडीशन है, जिस हिसाब से बनता है उस हिसाब से बना के दीजिए हम लोगों को। और ये जो बना है यहाँ पे एक गाड़ी अगर खड़ा कीजिएगा तो चार दुकान का माल ऐसे छूट जाएगा। दुकान मेयर साहब से अभी बातचीत हुआ, मेयर साहब बोले हम तो अभी आए हैं, इससे पहले आप लोग, हम लोग इससे पहले हम लोगों का तिवारी साहब थे, उस टाइम भी हम लोग आवाज़ उठाए कि ये छोटा सा बाजार में हम लोग नहीं जा पाएंगे। শিফটিং করছে কালীপাড়িতে, ওটা একটা জায়গা ছোট আছে, একদম ছোট জায়গা আছে, ওখানে প্রবলেম রয়ে যাবে, বুঝলেন তো। আমরা ডিমান্ড করেছি যে আমাদের এমন একটা জায়গা হোক কি যত আড়তদার আছে সম্পূর্ণ এক জায়গায় অ্যাডজাস্টমেন্ট হোক, তাকে ভিতরে আমাদের যদি 30-40টা গাড়ি ঢুকে তো কোনো অসুবিধা না হয়, একটা ভালোভাবে বানিয়ে সম্পূর্ণ লোককে এই জায়গাটা সুন্দরভাবে বানিয়ে দেওয়া হোক, তাকে আমরা এখান থেকে জায়গা খালি করে আমার স্যারকে এখান থেকে ওখানে আমরা চলে যাব, এখানে পরিষ্কার হয়ে যাবে, ওখানে এইদিকে সুন্দর হোক, আমরাও চাইছি আসানসোল সুন্দর হোক, এইটা আমরা চাইছি কি সম্পূর্ণ হোলসেল মার্কেট ওখানে চলে যায়। बैठक के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने और चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने काली पहाड़ी में बने थोक मार्केट का दौरा किया और उसका जायजा लिया। इस दौरान आसनसोल बाजार के थोक व्यापारियों के प्रतिनिधि भी थे। मेयर ने बताया कि जो मार्केट बना है उसकी योजना उनके साथ नहीं बनी है, अब देखते हैं कि कैसे काम किया जाए। मार्केट फल मार्केट माछ मार्केट जेटा रही है जेटाते आसनसोलेर बहु बछर थेके माने प्रचंड असुविधा है, मानुषेर असुविधा है, जारा बिक्री करछे तादेरो असुविधा हच्छे, তো সেটাকে হাঁটানোর জন্য আমরা আসানসোলের বাইরে কালীপাহাড়িতে আমরা করার চেষ্টা করছি। একটা মার্কেট অলরেডি আমাদের হয়েছে, কিন্তু ওটা দুতলা হয়ে যাওয়ার জন্য, গ্রাউন্ড ফ্লোর আর ফার্স্ট ফ্লোর হয়ে যাওয়ার জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে। তো আজকে আমরা গেছিলাম দেখতে কালীপাহাড়ি, আর একটা জায়গা দেখা হলো, দুটো পরপর জায়গা দেখেছি। জায়গা দেখে আমরা ওদের যেভাবে চাইছে সেভাবে ওদের একটা আমাদেরকে একে মানে প্ল্যান ফ্ল্যান দিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে। এবার প্ল্যানটা দেখার পর ওটা ফিট হচ্ছে কিনা আমরা দেখে তারপর আগামী দিনে কাজটা শুরু করবো আমরা। এদের তো বলছে এক এক ফল, ফলেরই বলছে 100-এর উপরে, মাছের ওইরকম মানে সব মিলে মোটামুটি 300-400-এর উপর হবে। राज्य सरकार ने 16 अगस्त को खेल दिवस घोषित किया है, इसलिए आसनसोल के बुदा मैदान में आसनसोल उत्तर तृणमूल कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट को कल्याणपुर वेलफेयर सोसाइटी ने बाणपुर के यंग मेंस क्लब को एक गोल से हराकर जीत लिया। पुरस्कार समारोह में उपस्थित उपमेयर अभिजीत घटक विजेता और उपविजेता टीम की ट्रॉफी प्रदान किया। इस मौके पर MIC गुदास चटर्जी, बंटी तिवारी आदि उपस्थित थे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन दी फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरोन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल,